तो इस वीडियो में हम बैकबोन का सपोर्ट एक परचेस किया, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हम आपको दिखाते हैं, अगर किन्हीं को कमर में दर्द है आपके घर में तो ये बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये बैकबोन सपोर्ट बेल्ट है और आप देख सकते हैं इस तरह से है। मैंने साइज़ मीडियम में मंगाया है, अलग अलग जो कमर की साइज़ होती है उसके अनुसार से मिलती है। मैं मीडियम में मंगाया हूँ जो 32 to 36 को सपोर्ट करता है, और आप देख सकते हैं इस तरह का है। ये मुझे अमेजन से पड़ा था 550 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। और ऑफर्स वगैरह लगा के 50 रुपीज़ कैशबैक आया था मेरा, तो 500 में लगभग हो गया। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ये नॉर्मल सा बेल्ट है, अब आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसका ग्लू दिया हुआ है अब यूज़ करने के लिए रिस्ट में आपका। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए मंगाया क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो ऐसा मार्केट में बहुत सारा मिल रहा था, पर मैंने ये पर्टिकुलरली इस कंपनी का लिया है रेटिंग देख करके, क्योंकि यहाँ अलमुनियम का दो रॉड डाला हुआ है। आपको ध्यान से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रॉड शायद निकाल भी सकते हैं आप। ये देखिए अलमुनियम का रॉड है ना, ये दिख रहा होगा, ये देखिए अलमुनियम का रॉड है। आपको ध्यान से देखेंगे तो आप दिख जाएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखें आप। यहाँ पर अलमुनियम का रॉड है, तो ये 1, 2, 3, 4, टोटल 4 रॉड है। इसलिए दिया गया है ताकि ये बैक को सपोर्ट कर सके आपको। तो जिनको बैकबोन में पेन रहता है, ज़्यादातर आईटी कंपनीज के वर्कर रहते हैं या घर के हाउस वाइफ्स रहते हैं, उनको कमर में दर्द हो जाता है घर का काम करने से, तो उसके लिए परफेक्ट बेल्ट है। और मैंने मंगाया है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ खोल के। ये इस टाइप से है और ये अच्छे से लग जाता है। मैं आपको एक बैकबोन की फोटो भी निकाल के दिखा दूंगा कि इस तरह से बैकबोन पे रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस तरह से बैकबोन में इसे डालना है आपको, और ये आगे साइड से पहला बेल्ट लगाना है। ये जो पहला बेल्ट है और ये दूसरा बेल्ट लगाना है, इस तरह से लगा करके आपको बैकबोन में अपना फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका बैक हो गया, ये आपका बैक हो गया, और ये आपका आगे का पोर्शन हो गया। तो इस तरह से आपका बैकबोन कवर अप हो जाएगा, ठीक है, और आपको बैकबोन में सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ गड्ढा बना हुआ है, आप देखिए यहाँ से आगे से ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा बना हुआ है यहाँ पे, और हमारा बैकबोन में भी देखिए यहाँ पे गड्ढा रहता है, इस टाइप से रहता है। तो इस गड्ढे को ये कवर अप करता है, इस गड्ढे को ये कवर अप करता है। और चूंकि अल्मोनियम का ये दिया हुआ है तो ये मुड़ेगा नहीं, इससे सपोर्ट बरकरार रहता है, ये मुड़ेगा नहीं, तो ये सपोर्ट बरकरार रहता है। और आप इसको सोने टाइम पर मेरी माने तो ना यूज़ करें, सोते समय इसको खोल दें और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जब आपको जरूरत लगे तभी यूज़ करें। बाकी आप ऑर्थोपेडिक से सलाह ले सकते हैं अपने बैकबोन के लिए और उस अनुसार से काम करें। तो मैं इसको सर्च करके मंगाया था, रिव्यू वगैरह पढ़ के मंगाया था, और इसमें अलमुनियम की फिटिंग है, इस तरह का है दोस्तों। आशा वीडियो पसंद आई होगी आपको। मैं एक बार इसको पहन करके देख लेता हूँ और फिर मैं आपको इसका आगे का रिव्यू अभी बताता हूँ। ये ग्लास के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कमर पे आगे से ये मैंने फिक्स कर दिया है, डबल बेल्ट है, और ये मेरा बैकबोन में फिक्स हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकबोन में ये फिक्स हो चुका है, इस तरह से कमर में आएगा यहाँ पे। ये दो अलमुनियम के रोड हैं और ये काफ़ी फिक्स हो चुका है यहाँ पे। और उसके साथ ही आप आगे में भी देख सकते हैं, मैं जीन्स पहनता हूँ 34 साइज़ की, और ये मैंने इसको लगाया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट है लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि फिक्स हो जाए। आप भी अपने कमर के अनुसार से साइज मीडियम या लेंथ में मंगा सके। 10 दिन की रिटर्न है, इनकेस आपको लगे कि कमर ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप रिटर्न करके दूसरा मंगा सकते हैं। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, 500 रुपये पड़ गया था मुझे, 550 प्लस 50 कैशबैक मिला था। और इस तरह से है, आप देख सकते हैं मैंने पहन के आपको दिखा दिया है।